हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग बीस्ट। सो गाइस, मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पे है रोहतांग पास, जहाँ पे सालों साल बहुत ही ठंड होती है, मतलब वहाँ पे बर्फ बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। और रोहतांग पास मोस्टली क्लोज होता है, पूरे साल क्लोज होता है, ये खुलता है अप्रैल या मई के बीच में, मतलब अप्रैल या मई में रोहतांग पास खुलता है एंड अगेन अक्टूबर या नवंबर में बंद कर दिया जाता है। कि इतना बेस्ट प्लेस है यहाँ का, जो भी सब सिनेरियो है एकदम बेस्ट है और व्यू यहाँ से तो एकदम जबरदस्त मिलता है। तो उसके वजह से क्या होता था कि जितनी ज़्यादा बर्फ उतने ज़्यादा टूरिस्ट और उतनी ज़्यादा पोल्यूशन। अगर आप मतलब शिमला मनाली कुल्लू घूमने के लिए गए हो और आप रोहतांग पास जाना चाहते हो, तो रोहतांग पास जाने से पहले आपको ये चीज़ें जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको रोहतांग पास विजिट करना चाहिए। रोहतांग पास अगर आप अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में आप ट्रैवल करते हो शिमला मनाली या कुल्लू, तभी ही आप रोहतांग पास जा सकते हो। अदरवाइज़ रोहतांग पास पूरे मतलब ये पीरियड के बाद बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाता है कि लोगों को वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, मतलब रोहतांग पास क्लोज होता है। तो वो क्या रूल है, वो सारी क्या क्या मतलब गवर्नमेंट ने क्या सारे रूल बनाए हैं यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, आज की वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो फिक्स किया है कि एक दिन में आप 1200 गाड़ियाँ ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब 1200 गाड़ियाँ रोहतांग पास डेली जा सकती हैं, डेली के 1200 गाड़ियाँ जा सकती है, जिसमें वो 1200 में भी 800 पेट्रोल गाड़ी होनी चाहिए और 400 डीजल गाड़ी होनी चाहिए। और ट्यूसडे के टाइम पे आप रोहतांग विजिट नहीं कर सकते हो, मतलब ट्यूसडे को यहाँ पे हर ट्यूसडे मेंटेनेंस होती है रोहतांग पास में, तो आप ट्यूसडे रोहतांग पास विजिट नहीं कर सकते हो। तो रोहतांग पास के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कुछ भी, लाइसेंस वगैरह कुछ भी, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी आपको वहाँ पे भी कुछ कंडीशन रखी जाती है, मतलब वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपकी जो व्हीकल है वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी व्हीकल, आप जिस भी व्हीकल से आ रहे हो, 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगता है, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब जो भी लाइट मोटर व्हीकल है, कार है, बाइक है, या ये सब की जो आपको चार्जेस देने होते हैं, वो 550 रुपये चार्जेस देना पड़ता है, जिसमें कि 500 रुपये परमिट का चार्जेस होता है और 50 रुपये आपको कंजेशन फीस देना पड़ता है। और अगर आपकी बड़ी व्हीकल है, लाइक बस है अगर आपकी, तो बस के लिए आपको 600 चार्ज देना पड़ता है, जिसमें सेम 500 रजिस्ट्रेशन मतलब परमिट की फ़ीस होती है और 100 रुपये कंजेशन फीस होता है। मतलब कि अगर आप कमर्शियल व्हीकल से जाते हो तो आपको ये सारी कंडीशन का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप रोहतांग पास विजिट कर सकते हो। उसके बाद जो बात आती है कि प्राइवेट व्हीकल पर डे कितना जा सकता है यहाँ पे, तो प्राइवेट व्हीकल के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने जो लिमिट सेट किया है, मतलब जो इन्होंने लिमिट सेट किया है, वो 100 गाड़ियों की डेली की लिमिट सेट की है। उसमें से 60 पेट्रोल गाड़ियों होनी है, पेट्रोल की गाड़ियाँ होनी चाहिए और 40 डीजल की गाड़ियाँ होनी चाहिए। मतलब इसमें भी प्रोसेस सेम होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना है, बट प्रोसेस सेम होता है। जो भी प्रोसेस मैंने आपको नॉर्मल कमर्शियल व्हीकल के लिए बताया स्टार्टिंग में, जो भी मैंने आपको बताया कि आपको आईडी प्रूफ देना होता है, आपको पीयूसी मतलब पीयूसी वगैरह भी आपको अपनी कार की देनी पड़ेगी, उसके बाद ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया और चार्जेस जो होते हैं सब, इसके भी सेम ही होते हैं। सबसे मेन चीज़ है आपको अपनी गाड़ी की जो पीयूसी है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये मेंटेन रखनी है, मतलब ये भी आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये सब आप जब भी ऑनलाइन करते हो तो आप अपने मोबाइल में लेके ना जाएं, नहीं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो मोबाइल आप जाके दिखाओगे तो वैलिड नहीं है, आपको उसका प्रिंटआउट निकालना पड़ेगा एंड आपको उसका फिजिकल कॉपी अपने साथ रखनी पड़ेगी। आप जब वहाँ पे रोहतांग पास पहुँच गए, मतलब एंट्री गेट के पास जब भी आप पहुँच जाते हो, तो वहाँ पे आपको पास दिखानी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको अलाउड करेंगे आगे जाने के लिए। अब हिमाचल प्रदेश में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपकी कार, आपकी व्हीकल, आप जिस भी व्हीकल से आते हो,
बाइक हो, कार हो, या बस हो, मिनी बस हो, कुछ भी हो, तो अगर आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल हिमाचल प्रदेश की नहीं है, तो आपको एक ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है, फिर वो चाहे बाइक ही क्यों ना हो। बाइक है अगर आपकी, तो बाइक के लिए आपको जो ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है वो 100 रुपया देना पड़ता है। जो भी लाइट व्हीकल होगी आपके, कार लाइट मोटर व्हीकल होगा, उसके लिए आपको 200 रुपया चार्जेस पे करना पड़ेगा। और पैसेंजर व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, तो उसके लिए आपको 300 रुपया ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपकी कार हिमाचल प्रदेश के बाहर है, बाहर की है, मतलब हिमाचल प्रदेश की गाड़ी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के बाहर की है, लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या कोई भी इंडिया के किसी भी अदर स्टेट से है, बट आप हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हो, तो आपको ग्रीन टैक्स पे करके फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ग्रीन टैक्स आपका 7 दिन के लिए वैलिड है, तो 7 दिन तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ग्रीन टैक्स के लिए भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रीन टैक्स के लिए भी कर सकते हो। अगर आप रोहतांग पास से आगे जाते हो, मतलब रोहतांग पास मोस्ट ऑफ टूरिस्ट क्या करते हैं, रोहतांग पास ही देखने के लिए आते हैं, बट उसमें से अभी क्या होता है कि आप रोहतांग पास से आगे जा रहे हो, तो रोहतांग पास से आगे जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक अलग से चार्जेस देना पड़ता है, मतलब कंजेशन फीस होती है 50 रुपीज़। आपकी कोई भी व्हीकल है, कार है, बाइक है, लाइट व्हीकल है, कुछ भी हो, उसके लिए आपको 50 रुपया कंजेशन फीस देना पड़ता है। उसके बाद आप रोहतांग पास के बियॉन्ड कहीं पे भी जा सकते हो आगे। इसका भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, मतलब आपको जो रोहतांग पास के आगे जो कंजेशन फीस पे करनी होती है, उसका भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो जो चीज़ें, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब हमें फॉलो भी करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम ही नेचर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो हमें नेचर को, उनकी खूबसूरती को बना के रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की है वहाँ के लिए, रोहतांग पास के लिए, वहाँ के पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए ये सारी जो है उन्होंने प्रोसेस की, मतलब ये सारे रूल्स बनाए हुए हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।